हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद प्रिया गोयल. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल बॉय नेम्ड काकू एंड हिज फ्रेंड. एक्चुअली ही हैड मेड अ सीक्रेट फ्रेंड एंड ही नेवर मिस्ड अ चांस टू मीट हिम एंड ही मेड हिज फ्रेंड ऑन द वे टू स्कूल. दे से हेलो टू ईच अदर इन देयर own language, but his friend never stopped for him. So one day Kaku becomes so sad about this. So in this video we will see that as to what happened to the Kaku when he became so sad. Has his friend stopped for him or not? Let's see the story. चैप्टर 5 काकू एंड लाल हवा. काकू लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड छोटी दादी. द स्मॉल विलेज हैड अ स्मॉल स्कूल. एवरी डे काकू हैड टू वॉक फ्रॉम हिज लिटिल हट एट वन एंड ऑफ द विलेज टू द प्राइमरी स्कूल नियर द विलेज वेल. ऑन हिज वे टू स्कूल ही पास्ड थ्रू ग्रीन पैडी फील्ड्स, the village lake and the old Ram Leela ground. All his friends, be it dreamy Jhunjhunu, colorful Pinaki or talkative Tachi, did not like walking to school. इसमें जो काकू था, जो little boy था, वो एक छोटे से गांव में रहता था और उस गांव का नाम था छोटी दादी. छोटी दादी नाम के छोटे से गांव में काकू रहता था. द स्मॉल विलेज हैड अ स्मॉल स्कूल. और उस छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल था. एवरी डे काकू हैड टू वॉक फ्रॉम हिज लिटिल हट. और रोज उसे काकू को अपने छोटी सी झोपड़ी से चल के जाना पड़ता था एट वन एंड ऑफ द विलेज जो कि गांव के एक कोने पे थी, एक किनारे पे थी, टू द प्राइमरी स्कूल नियर द विलेज वेल. अपने घर से अपनी छोटी सी झोपड़ी के जो गांव के एक किनारे पे थी वहां से लेकर उसे अपने प्राइमरी स्कूल जो कि गांव के विलेज के वेल के पास कुएं के पास था उसको चल के जाना पड़ता था. ऑन हिज वे टू स्कूल अपने स्कूल के रास्ते में ही पास्ड थ्रू ग्रीन पैडी फील्ड्स वो हरे भरे धान के खेतों से होके गुजरता था. द विलेज लेक जो गांव की झील थी लेक थी उससे एंड द ओल्ड रामलीला ग्राउंड और एक पुराना सा रामलीला का मैदान था जहां पे रामलीला होती थी उसके थ्रू होके वो गुजरता था उसके रास्ते में. ऑल हिज फ्रेंड्स उसके सभी दोस्त बी इट चाहे वो ड्रीमी झुंझुनू हो सपने देखने वाला झुंझुनू हो चाहे वो बहुत कलरफुल सी पिनाकी हो और या फिर टॉकेटिव टाची हो जो बहुत ही बातूनी टाची नाम की हो डिड नॉट लाइक वॉकिंग टू स्कूल. उन्हें चल के स्कूल जाना पसंद नहीं था. बट काकू लव्ड द लॉन्ग वॉक टू स्कूल. ही हैड मेड अ न्यू फ्रेंड ऑन हिज वे. सन और रेन काकू वुड वॉक टू स्कूल. काकूज मदर वॉज वेरी हैप्पी दैट काकू लव्ड स्कूल सो मच. शी डिड नॉट नो अबाउट हर सन्स बिग न्यू फ्रेंड. काकू हैड टोल्ड नो वन न्यू वाई ही लव्ड वॉकिंग पास्ट द ग्रीन पैडी फील्ड्स, द विलेज लेक एंड द ओल्ड रामलीला ग्राउंड टू रीच स्कूल. नो वन न्यू काकूज लिटिल बिग सीक्रेट ऑन द वे टू स्कूल. काकू वॉन्टेड टू कीप दिस फ्रेंड अ सीक्रेट. ही थॉट हिज फ्रेंड माइट मेक फन ऑफ हिम. उसके फ्रेंड्स को उसके साथ स्कूल जाना पसंद नहीं था चल के लेकिन बट काकू लव्ड द लॉन्ग वॉक टू स्कूल. लेकिन काकू को बहुत पसंद था जो स्कूल जाते समय उसको इतना लंबा लॉन्ग वॉक करना होता था, इतने लंबे रास्ते को चल के जाना होता था, उसे बहुत पसंद था. क्यों? बिकॉज ही हैड मेड अ न्यू फ्रेंड ऑन हिज वे. क्योंकि उसने अपने रास्ते में एक नया फ्रेंड बनाया था. सन और रेन चाहे वो दिन का धूप हो और चाहे बारिश हो काकू वुड वॉक टू स्कूल. काकू अपने स्कूल चल के जाता था. काकूज मदर वॉज वेरी हैप्पी. और जो काकू की जो मम्मी थी वो बहुत ज्यादा खुश थी. क्यों खुश थी?
दैट काकू लव्ड स्कूल सो मच, और उन्हें लगता था कि जो काकू है वो अपने स्कूल को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो डेली, चाहे सन हो चाहे धूप निकली हो चाहे बारिश हो रही हो, वो डेली स्कूल इतनी दूर जाता है। शी डिड नॉट नो अबाउट हर सन्स बिग न्यू फ्रेंड, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने बेटे के बारे में जो एक बड़ा सा नया दोस्त उसने बनाया हुआ था, उस दोस्त के बारे में काकू की मम्मी को नहीं पता था। काकू हैड टोल्ड नो वन, काकू ने किसी को भी उस फ्रेंड के बारे में नहीं बताया था। नो वन न्यू वाई ही लव्ड वॉकिंग पास्ट द ग्रीन पैडी फील्ड, किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था कि क्यों उसे इतना पसंद है कि यह हरे भरे धान के खेतों से होकर गुजरना, द विलेज लेक एंड द ओल्ड रामलीला ग्राउंड टू रीच स्कूल, वो क्यों इन रास्ते से कि वो ग्रीन हरे भरे धान के खेतों से होकर गुजरता है, गांव की झील से होकर गुजरता है और पुराने से रामलीला ग्राउंड से होकर तभी स्कूल जाता है। नो वन न्यू काकूज लिटिल बिग सीक्रेट ऑन द वे टू स्कूल, क्योंकि किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था कि जो काकू का छोटा सा एक बड़ा सा जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, राज है, उसके स्कूल के रास्ते में किसी को नहीं पता था। काकू वॉन्टेड टू कीप दिस फ्रेंड अ सीक्रेट, और जो काकू था वो अपने इस फ्रेंड को, अपने जो नए दोस्त को, वो सीक्रेट ही रखना चाहता था, सबसे राज बना के रखना चाहता था। ही थॉट हिज फ्रेंड्स माइट मेक फन ऑफ हिम, और वो क्यों चाहता था सबसे छुपा के रखना, क्योंकि उसको लगता था, वो सोचता था कि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसका मजाक उड़ा सकते हैं, इसलिए वो किसी को नहीं बताया था। एवरी मॉर्निंग काकू गॉट अप बिफोर द नेबर्स कॉक कुड बिलो इट्स लाउड एंड श्रिल कुकड़कू, काकू वुड बी रेडी इन हिज नीटली आयरन ब्लू एंड मस्टर्ड कलर्ड स्कूल यूनिफॉर्म, ईगरली वेटिंग फॉर हिज टिफिन, और हर सुबह काकू जो पड़ोसी का, जो नेबर्स का कॉक था, जो मुर्गा था, उसके पहले वो अपनी आवाज लगाए श्रिल वॉइस में, तीखी सी आवाज में कुकड़कू बोले, उसके पहले ही काकू उठ जाता था। काकू वुड बी रेडी, और काकू जो होता था वो रेडी हो जाता था, तैयार हो जाता था स्कूल जाने के लिए अपनी नीटली, एकदम साफ सुथरी, प्रेस की हुई, आयरन की हुई नीली और जो मस्टर्ड कलर की, येलो कलर की जो स्कूल यूनिफॉर्म थी उसकी, उसमें वो रेडी हो जाता था। और क्या करता था, ईगरली वेटिंग फॉर हिज टिफिन, और बहुत बेसब्री से अपने टिफिन का वो इंतजार करता था। एज सून एज ही गॉट हिज फेवरेट राइस इडलीज एंड कोकोनट चटनी ही वुड रन आउट ऑफ द हाउस, काकू लेफ्ट होम एज अर्ली एज 6:30 इन द मॉर्निंग टू मीट हिज फ्रेंड हुम ही कॉल्ड लाल हवा, और जैसे ही वो अपनी फेवरेट राइस इडली और कोकोनट चटनी, जो चावल की जो इडली थी और नारियल की चटनी उसको टिफिन बॉक्स में मिलती थी, वो तुरंत अपने घर को छोड़ देता था, घर से निकल जाता था। काकू लेफ्ट होम, वो काकू जो अपने घर से निकलता था वो कब निकलता था, एज अर्ली एज 6:30 इन द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह 6:30 बजते थे वैसे ही वो अपने घर से निकल जाता था, अपने घर को छोड़ देता था। क्यों, टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को मिलने के लिए जो उसने न्यू फ्रेंड बनाया था, हुम ही कॉल्ड लाल हवा, और उसको लाल हवा के नाम से बुलाता था, अपने फ्रेंड का नाम उसने लाल हवा रखा हुआ था। एज ही क्रॉस्ड द पैडी फील्ड्स द सॉफ्ट चक चक साउंड ग्रेटेड काकू, काकू वॉज हैप्पीएस्ट वेन ही हर्ड लाल हवा कमिंग, काकू न्यू दैट ही गॉट द बेस्ट व्यू ऑफ लाल हवा फ्रॉम अ स्मॉल मड हिल नियर द विलेज लेक, एज द चक चक साउंड गॉट लाउडर काकू वॉक्ड फास्टर, ही न्यू द ट्रिक, ही टाइम्ड हिज रनिंग विद द चक चक साउंड ऑफ लाल हवा, ऑन एवरी चक चक ऑफ लाल हवा काकू टुक अ स्विफ्ट स्टेप फॉरवर्ड थ्रू द पैडी फील्ड्स टूवर्ड्स द लेक, और जैसे ही वो जो पैडी फील्ड होते थे, जो धान के खेत होते थे, वो उनको क्रॉस करता था, वो उनसे गुजरता था, द सॉफ्ट चक चक साउंड ग्रेटेड काकू, तो उसको बहुत ही धीरे धीरे सी चक चक की साउंड, छक छक की साउंड उसको सुनाई पड़ती थी। काकू वॉज द हैप्पीएस्ट वेन ही हर्ड लाल हवा कमिंग,
और जब काकू उस समय बहुत ज्यादा खुश होता था, वो सबसे ज्यादा खुश होता था जैसे ही वो लाल हवा के आने की आवाज सुनता था। काकू न्यू दैट ही गॉट द बेस्ट व्यू ऑफ लाल हवा फ्रॉम द स्मॉल मड हिल नियर द विलेज लेक। और काकू को पता था, वो जानता था कि उसको अपनी लाल हवा का सबसे बेस्ट व्यू, सबसे अच्छे तरीके से वो देख सकता है लाल हवा को, कहाँ से, जो विलेज की लेक के पास, जो गांव में झील थी उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का टीला सा था, पहाड़ी सी थी, उसके पास वो खड़ा होके अपने लाल हवा से वो देख सकता था, उससे मिल सकता था। एज द चिक चिक साउंड गॉट लाउडर काकू वॉक्ड फास्टर। जैसे ही वो जो साउंड होती थी लाल हवा की, चुक चुक जो साउंड होती थी, वो जैसे ही तेज होती, वैसे काकू भी और तेज हो जाता था चलना उसका। जैसे जैसे साउंड तेज होती जाती, वैसे वैसे उसका चलना भी तेज होता जाता। ही न्यू द ट्रिक, उसे सारे प्लान पता थे, उसको सारी तरह की तरकीब पता थी कि कैसे क्या करना है। ही टाइम्ड हिज रनिंग विद द चुक चुक साउंड ऑफ लाल हवा। उसने लाल हवा की जो चिक चिक के साउंड के साथ अपनी टाइमिंग फिक्स कर ली थी कि जैसे जैसे चिक चिक की आवाज होती थी वैसे वैसे वो अपने स्टेप्स लेता था, अपने कदम बढ़ाता था। ऑन एवरी चिक चिक ऑफ लाल हवा काकू टुक अ स्विफ्ट स्टेप फॉरवर्ड थ्रू द पैडी फील्ड्स टुवर्ड द लेक। और हर चिक चिक लाल हवा के हर चिक चिक के साथ काकू अपने जो स्टेप्स होते थे, जो कदम होता था, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ाता था धान के खेतों की तरफ, लेक में जाते समय, झील की तरफ जाते समय धान के खेतों से होकर वो अपने कदम तेजी से बढ़ाता था। काकू न्यू द एग्जैक्ट पॉइंट व्हेन द रेड स्पीडिंग लाल हवा वुड विशल। नाउ विथ प्रैक्टिस ही कुड मैच हिज विशल विद द लाउड विजल ऑफ लाल हवा। काकू न्यू लाल हवा सेड हेलो इन हर लैंग्वेज व्हेन शी विजल्ड। काकू विजल्ड बैक वेलकमिंग लाल हवा। काकू को एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पता था कि एकदम कहाँ पे, किस पॉइंट पे वो लाल, व्हेन द रेड स्पीडिंग लाल हवा वुड विजल, कि वो किस टाइम पे, किस पॉइंट पे जो तेजी से आती हुई लाल हवा है वो किस टाइम पे सीटी बजाएगी अपनी। नाउ विथ प्रैक्टिस ही कुड मैच हिज विजल विद द लाउड विजल ऑफ लाल हवा। और अब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, उसने अभ्यास करते करते अपने आप को मैच कर लिया था अपने विजल की साउंड को, अपने सीटी बजाने की साउंड को लाल हवा की तेज सीटी की आवाज से मैच कर लिया था। जैसे जैसे लाल हवा सीटी बजाती वैसे ही वो भी सीटी बजाता था। काकू न्यू लाल हवा सेड हेलो इन हर लैंग्वेज। काकू को पता था कि जो लाल हवा है वो अपनी लैंग्वेज में, जब वो सीटी बजाती है, विजिल करती है, तो अपनी लैंग्वेज में वो उसको हेलो बोलती है। काकू विजिल बैक वेलकमिंग लाल हवा। और इसी के बदले में काकू भी उसको सीटी बजाता था उसका वेलकम करने के लिए। ही रैन थ्रू द पैडी फील्ड डूइंग छक 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 छकू एज ही रीच द लेक। इन अ मोमेंट द ह्यूज इंजन केम टूवर्ड्स हिम एज लाल हवा अप्रोच्ड, अ पावरफुल विंड स्टार्टेड ब्लोइंग। काकूज हेयर फ्लू फ्रॉम हिज फोरहेड इन टू हिज आईज, हिज ब्लू एंड मस्टर्ड स्कूल ड्रेस फ्लटर्ड लाइक अ काइट फ्लाइंग इन द मॉर्निंग स्काई। और वो दौड़ के जैसे ही छक 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 की आवाज होती थी, जैसे ही लेक के पास तक पहुंचती थी, वो एक सेकेंड के अंदर, एक पल में, एक क्षण में वो तुरंत दौड़ के पैडी फील्ड में पहुंच जाता था अपने भी छक छक कर आवाज करता हुआ। द ह्यूज इंजन केम टूवर्ड्स हिम। और जब वो जो उसका बड़ा सा जो इंजन होता था उसके फ्रेंड का, वो जब उसकी तरफ आता रहता था, तो उसी समय वो भी छक छक की आवाज करके पहुंच जाता था लेक के पास। एज लाल हवा अप्रोच्ड, और जैसे ही जो लाल हवा थी, जो उसकी फ्रेंड थी, वो पहुंचती थी, अ पावरफुल विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, और बहुत एक बहुत तेजी से चलने वाली जो हवा थी वो बहना शुरू हो जाती थी। काकूज हेयर फ्लू फ्रॉम हिज फोरहेड इन टू हिज आईज। और जो काकू की उस हवा से क्या होता था, उस काकू के जो हेयर होते थे, सर के बाल जो होते थे, वो उसकी आंखों में आंखों में जाने लगते थे। हिज ब्लू एंड मस्टर्ड स्कूल ड्रेस फ्लटर्ड, और उसकी जो नीली और येलो कलर की जो स्कूल यूनिफॉर्म होती थी वो लहराने लगती थी उस लाल हवा की तेज चलने वाली हवा से।
लाइक अ काइट फ्लाइंग इन द मॉर्निंग स्काई। और उसके जो ड्रेस होती थी, यूनिफॉर्म होती थी, वो इस तरह से लहराती थी हवा में जैसे कि कोई सुबह के आकाश में पतंग उड़ रही हो, इतनी तेजी से वो उड़ने लगती थी। स्टैंडिंग ऑन द स्मॉल हिल काकू सॉ लाल हवा बिकम बिगर एंड बिगर। इन सेकेंड्स लाल हवा कवर्ड द होल ब्लू स्काई एज इट चग्ड टूवर्ड्स काकू। काकू वॉज जम्पिंग विथ जॉय, ही क्लैप्ड एंड वेव्ड एज लाल हवा छक छक पास्ट हिम। ही वेव्ड टिल द वेरी एंड। स्मॉल अननोन हैंड्स वेव्ड बैक फ्रॉम द विंडोज ऑफ लाल हवा। एज काकू आइज फॉलोड द रेड ट्रेन ही सॉ स्मॉल हैंड्स वेविंग टू हिम। ही रैन अलोंग विथ लाल हवा वेविंग बैक एट द स्मॉल हैंड्स। और वो जो छोटी सी पहाड़ी पे उसको पता था कि किस पॉइंट से वो दिखेगी, तो वो जब स्मॉल हिल पे पहुंचता था जो लेक के पास थी, काकू सॉ लाल हवा बिकम बिगर एंड बिगर, तो उसको लाल हवा जो आती हुई दिखाई पड़ती थी वो और बड़ी दिखाई पड़ने लगती थी जैसे ही वो उसके पास आती थी। इन सेकेंड्स लाल हवा कवर द होल ब्लू स्काई एज इट चग्ड टूवर्ड्स काकू। और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर लाल हवा पूरे के पूरे नीले आसमान को ढक लेती थी जैसे ही वो काकू की तरफ बढ़ती हुई आती थी, तो वो पूरा आसमान जो था उसी लाल हवा से ढक जाता था। काकू वॉज जम्पिंग विथ जॉय, और काकू खुशी के मारे, जॉय के मारे वो खुशी से जंप करने लगता था, कूदने लगता था। ही क्लैप्ड एंड वेव्ड एज लाल हवा छुक छुक पास्ट हिम, और वो तालियां बजाता था और अपने हाथ को हिलाता था जैसे जब लाल हवा उसके पास से छुक छुक करती हुई जाती थी। ही वेव्ड टिल द वेरी एंड, और वो एकदम लास्ट तक जब तक कि उसको लाल हवा दिखाई पड़ती रहती थी तब तक वो अपने हाथों को वेव करता रहता था, अपने हाथों को हिलाता रहता था। स्मॉल अननोन हैंड्स वेव्ड बैक फ्रॉम द विंडोज ऑफ लाल हवा, और उस जो लाल हवा की विंडो होती थी, खिड़कियां होती थी, उसमें से एक छोटा सा हाथ जिसको वो नहीं जानता था वापस में बदले में वो हिलाता था। एज काकू आइज फॉलोड द रेड ट्रेन ही सॉ स्मॉल हैंड्स वेविंग टू हिम। और चूंकि जो काकू था उसकी आंखें जो थी वो लाल हवा को, उस लाल ट्रेन को फॉलो करती रहती थी, देखती रहती थी जाते हुए, तो वो जो छोटा सा हाथ होता था वो उसको देखता था कि बदले में उस ट्रेन से कोई हाथ उसको हिला रहा है। ही रैन अलोंग विथ लाल हवा वेविंग बैक एट द स्मॉल हैंड्स, और वो उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ता रहता था अपने हाथ को हिलाता हुआ, वेव करता हुआ अपने हैंड्स को। काकू कुड नॉट बिलीव हाउ फास्ट लाल हवा कुड रन, ही वॉज श्योर लाल हवा हैड मैजिक व्हील्स। काकू को विश्वास ही नहीं कर पाता था कि वो कितनी तेज लाल हवा दौड़ सकती है। ही वॉज श्योर, उसे पक्का था कि लाल हवा के पास जो व्हील्स हैं वो पक्का मैजिकल है, कोई उसमें जादू लगा हुआ है जिसके कारण वो इतना तेज दौड़ सकती है। इन सेकेंड्स लाल हवा कुड क्रॉस हिम एंड हिज बिग विलेज, कि वो कुछ ही सेकेंड्स में जो लाल हवा है वो क्रॉस कर जाती है उसको भी और उसके बड़े से गांव को भी। उसको लगता था कि उसका जो गांव है वो बहुत बड़ा सा है। काकू लव्ड मीटिंग लाल हवा एवरी डे, ही लाइक्ड द रेड कलर, द फास्ट मूविंग व्हील्स, ही वेविंग विंडोज एंड द छुक छुक साउंड एज इट मूव्ड। काकू प्रेड एवरी नाइट फॉर लाल हवा टू स्टॉप एट हिज विलेज जस्ट वंस। काकू को लाल हवा से रोज मिलना बहुत पसंद था, वो बहुत चाहता था कि वो रोज लाल हवा से मिले। ही लाइक द रेड कलर, उसको वो लाल कलर बहुत पसंद था, द फास्ट मूविंग व्हील्स और इतनी तेजी से दौड़ते हुए उसके चलते हुए पहिए भी उसको बहुत पसंद थे, द वेविंग विंडोज और जो विंडो से कोई हाथ हिलाता था उसे वो भी बहुत अच्छा लगता था, एंड द छुक छुक साउंड और एज इट मूव्ड, और जब ये चलती थी तो छुक छुक जो साउंड होता था उसको वो साउंड भी बहुत अच्छा लगता था। काकू प्रेड एवरी नाइट, और वो हर रात को प्रे करता था, भगवान से प्रार्थना करता था फॉर लाल हवा। किस चीज के लिए प्रे करता था? लाल हवा के लिए,
कि टू स्टॉप एट हिज विलेज जस्ट वन, कि बस एक बार के लिए, केवल वो एक दिन के लिए उसके गांव में कम से कम रुक जाए। वन डे ही आस्क्ड हिज स्कूल टीचर इफ लाल हवा कुड स्टॉप एट छोटी दादी। काकूस स्कूल टीचर लाफ्ड लाउडली एंड टोल्ड हिम दैट देयर विलेज वॉज टू स्मॉल फॉर बिग एंड माइटी लाल हवा। Disheartened, Kaku decided to ask Amma, his mother, the same question. In the evening, Amma said, Kaku, just as you want to meet Lal Hawa, even Lal Hawa will want to stop here one day and meet you. Kaku put his arms around Amma and kissed her. तो एक दिन काकू ने क्या किया, अपने स्कूल में टीचर से पूछा कि क्या लाल हवा इस छोटी दादी पे स्टॉप करेगी, कभी छोटी दादी जो उसका जो गांव का नाम था कि छोटी दादी उसके गांव में रुकेगी। तो काकू की जो स्कूल टीचर थी वो बहुत तेजी से हंसे और उसको बताया कि उनका जो विलेज है वो इतना छोटा है, वो उस बड़ी सी बहुत ही जो माइटी होता है बहुत ही ज्यादा विशाल का है, जो बहुत बड़ी सी लाल हवा के लिए बहुत ही अपना जो गांव है बहुत छोटा है, वो यहाँ पे नहीं रुक सकती। Disheartened, Kaku decided to ask Amma, his mother, the same question. तो जब उसका दिल जो था वो disheartened हो गया, टूट गया उसका दिल, बहुत दुखी मन से Kaku ने decide किया कि अब वो अपनी अम्मा यानी कि अपनी मम्मी से पूछेगा same question कि क्या छोटी दादी पे लाल हवा रुकेगी या नहीं। In the evening, अम्मा said, तो शाम को अम्मा ने बोला, Kaku, just as you want to meet लाल हवा, जैसे कि तुम लाल हवा से मिलना चाहते हो, इवन लाल हवा विल वॉन्ट टू स्टॉप हेयर वन डे, तो एक दिन उसी तरह लाल हवा भी यहाँ पे रुकना चाहेगी एक दिन, एंड मीट यू, और तुमसे मिलना भी चाहेगी। काकू पुट हिज आर्म्स अराउंड अम्मा एंड किस्ड हर, तो काकू ने अपनी अम्मा के अपनी मम्मी के गले में हाथ डाल दिया, उनको गले लगा लिया और उसको अपनी मम्मी को किस किया। काकू हैड मेड बिग प्लान्स फॉर द डे व्हेन लाल हवा वुड स्टॉप एट छोटी दादी। काकू ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग ऑन द फास्ट व्हील्स ऑफ लाल हवा। ही इमेजिन्ड ही वॉज वेविंग टू अम्मा, झुंझुनू, पिनाकी, ताची एंड हिज स्कूल टीचर। ही ऑल्सो सेव्ड 3 इडलीज एवरी डे फॉर द स्मॉल हैंड्स दैट वेव्ड एट हिम फ्रॉम लाल हवा। अब काकू ने बहुत बड़े से प्लान बना लिए थे, बहुत लंबे बड़े बड़े प्लान बना लिए थे कि एक उस दिन के लिए जब लाल हवा छोटी दादी पे रुकेगी, उसके गांव में रुकेगी। काकू ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग, और काकू सपने देखने लगा, उसने सपने देखे कि वो लाल हवा की तेज पहियों पे उड़ रहा है, यानी कि उस ट्रेन के अंदर बैठा है। ही इमेजिन्ड ही वॉज वेविंग टू अम्मा, और उसने इमेजिन किया, उसने सोचा कि वो अम्मा को उस ट्रेन में बैठ के, लाल हवा में बैठ के अपनी अम्मा को वेव कर रहा है, हाथ हिला रहा है, झुंझुनू को हिला रहा है, पिनाकी को, ताची को, स्कूल टीचर को, सबको वो वेव कर रहा है। ही ऑल्सो सेव्ड 3 इडलीज एवरी डे, और वो रोज 3 इडली बचाता था, जो अपने टिफिन बॉक्स में लेके जाता था उसमें से वो 3 इडली बचाता है, और फॉर द स्मॉल हैंड्स, किसके लिए, वो जो छोटे से हाथ होते थे दैट वेव्ड एट हिम फ्रॉम लाल हवा, जो लाल हवा से उसके लिए हाथ हिलाता था, कोई छोटा सा हाथ जो उसको दिखाई पड़ता था हिलाते हुए, वो उनके लिए ये डेली 3 इडली सेव करके रखता था अपने टिफिन बॉक्स में से। बट लाल हवा नेवर स्टॉप्ड। एवरी डे लाल हवा रेस्ड पास द विलेज लेक, लीविंग काकू ऑन द स्मॉल मड हिल। ही हैड टू सिट एंड फिनिश द इडलीज अलोन। सीइंग काकू अनहैप्पी, वन डे काकूज मदर टोल्ड हिज फ्रेंड झुंझुनू, पिनाकी एंड ताची टू वॉक टू स्कूल विथ काकू। काकू न्यू ही वुड मिस सीइंग लाल हवा बिकॉज हिज फ्रेंड्स वॉक्ड द स्कूल थ्रू अ शॉर्टर वे फॉर लास्ट वन मोर डे एंड सी लाल हवा वन लास्ट टाइम। अम्मा एग्रीड एंड एक्सप्लेन टू काकू दैट व्हेन ही वॉज ओल्डर ही कुड गो टू द बिग स्टेशन इन टाउन टू मीट लाल हवा। लेकिन जो लाल हवा थी उसने तो सब बड़े बड़े, काकू ने बड़े बड़े प्लान बना लिए थे कि जब लाल हवा रुकेगी तो वो क्या क्या करेगा क्या करेगा, उसने सपने देखने शुरू कर दिए थे। बट लाल हवा नेवर स्टॉप, लेकिन जो लाल हवा थी वो कभी भी नहीं रुकी। रोज लाल हवा रेस्ट पास्ट द विलेज लेक, रोज जो थी वो लाल हवा विलेज लेक से होके गुजरती थी लीविंग काकू
ऑन द स्मॉल मड हिल, और काकू को वो वहीं पे छोटे से मिट्टी के पहाड़ पे छोड़ के आगे बढ़ जाती थी। ही हैड टू सिट एंड फिनिश द इडलीज अलोन, और काकू को क्या करना पड़ता था, वहां पे अकेले बैठना होता था और अपनी इडलीज को अकेले ही फिनिश करना होता था, खत्म करना होता था। सीइंग काकू अनहैप्पी वन डे काकूज मदर टोल्ड हिज फ्रेंड्स, तो एक दिन जब काकू की मम्मी ने अम्मा ने उसको सैड देखा, दुखी देखा, तो उसने उसके फ्रेंड्स को, जो कि उसके फ्रेंड्स का क्या नाम था, झुंझुनू, पिनाकी एंड ताची, तो उनको बोला टू वॉक टू स्कूल विद काकू, कि वो स्कूल, वो काकू के साथ स्कूल जाए। काकू न्यू ही वुड मिस सीइंग लाल हवा, और काकू जानता था कि वो जो लाल हवा को देखना मिस कर देगा, बिकॉज हिज फ्रेंड वॉक्ड द स्कूल थ्रू अ शॉर्टर वे, क्योंकि जो उसके दोस्त हैं वो छोटे रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं, और वो बड़े रास्ते से होके जाता था जस्ट बिकॉज टू सी लाल हवा, और वो बड़े रास्ते से इसलिए जाता था कि ताकि वो लाल हवा को देख सके। काकू आस्क्ड अम्मा इफ ही कुड वॉक टू स्कूल अलोन फॉर लास्ट वन मोर डे, तो काकू ने अपनी अम्मा से पूछा कि क्या वो एक लास्ट दिन के लिए, केवल एक आखिरी बार, क्या अकेले स्कूल जा सकता है एंड सी लाल हवा वन लास्ट टाइम, क्या और एक बार आखिरी बार वो लाल हवा को देख सकता है। अम्मा एग्रीड एंड एक्सप्लेन टू काकू, तो उस पे अम्मा जो थी उसकी तैयार हो गई और काकू को एक्सप्लेन किया, उसको बताया दैट व्हेन ही वाज ओल्डर ही कुड गो टू द बिग स्टेशन, कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो बड़े स्टेशन पे जा सकता है, जो कि कहाँ पे है, इन टाउन, जो शहर में है, टू मीट लाल हवा, लाल हवा को मिलने वो शहर के स्टेशन में जा सकता है जब वो बड़ा हो जाएगा। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग अ प्लीजेंट ब्रीज वेलकम्ड काकू एज ही वॉक्ड टू स्कूल, ही वेंट पास्ट द ग्रीन पैडी फील्ड्स, द विलेज लेक एंड द ओल्ड रामलीला ग्राउंड। काकू वॉक्ड स्लोली, ही वॉज सैड, टूडे वॉज द लास्ट टाइम ही वुड वेव टू लाल हवा एज ही वॉक्ड। ही हर्ड द डिस्टेंट साउंड ऑफ लाल हवा, छुक छुक छुक, काकू स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर। Like always, he started running to the beat of Lal Hawa's chuk chuk and started whistling coo, just like Lal Hawa whistled. तो अगली सुबह क्या हुआ, जब बहुत अच्छी सी ब्रीजिंग चल रही थी, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, a pleasant breeze welcomed Kaku as he walked to the school. जब वो स्कूल जा रहा था तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। He went past the green, और as usual जो उसका जो रूटीन था वो पैडी फील्ड से होके जाता था, धान के खेतों से, फिर विलेज की लेक से, और पुराने रामलीला ग्राउंड से, मैदान से होकर वो जो गुजरता था वो वैसे ही स्कूल जा रहा था। तो काकू वॉक स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, वो बहुत ज्यादा सैड था, क्योंकि टुडे वॉज द लास्ट टाइम, जो आज का दिन था वो लास्ट टाइम था, आखिरी समय था कि वो अपनी लाल हवा को वेव कर सकता था आखिरी बार। As he walked, जैसे वो चल रहा था तो अचानक उसने ही हर्ड द डिस्टेंट साउंड ऑफ लाल हवा, तो उसने दूर से आती हुई लाल हवा की आवाज सुनी, सेम साउंड, छुक छुक छुक। काकू स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर, और जैसे ही उसने आवाज सुनी छुक छुक की, वैसे ही काकू तेजी से चलने लगा। लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह, ही स्टार्टेड रनिंग टू द बीट ऑफ लाल हवाज छुक छुक, और हमेशा की तरह वो लाल हवा की छुक छुक की बीट से, जैसे कि उसकी छुक छुक होती थी, उसी के स्पीड से वो रन करने लगा, दौड़ने लगा उसी के साथ साथ। एंड स्टार्टेड विसलिंग कू जस्ट लाइक लाल हवा विशल, और उसी की तरह कू की विशल करने लगा, सीटी बजाने लगा, जैसे कि लाल हवा बजाती थी। ही कुड सी बिग एंड माइटी लाल हवा अप्रोचिंग एज ही रीच्ड द स्मॉल हिल, इट वॉज फास्ट एंड रेड। काकू क्लोज्ड हिज आईज एंड स्टार्टेड प्रेइंग दैट लाल हवा हिज डियर फ्रेंड वुड स्टॉप, द पावरफुल ब्रीज दैट ब्लू एवरी टाइम लाल हवा केम स्टॉप्ड। काकूज आईज वर स्टिल क्लोज बट हिज ईयर्स कुड नॉट हियर द छुक छुक ऑफ लाल हवा, स्टार्टल्ड ही ओपेंड हिज आईज, देयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम लाल हवा सो रेड एंड सो बिग हैड स्टॉप्ड। काकू कुड नॉट बिलीव इट, ही क्लोज्ड हिज आईज शट एंड ओपन्ड देम क्विकली। अब ही कुड सी बिग एंड माइटी, अब क्या हुआ, जैसे ही कर रहा था तो वो देख सकता था
लाल हवा को, बड़ी सी लाल हवा को वो देख सकता था अपनी ओर आते हुए. एस ही रीच्ड द स्मॉल हिल, और जैसे ही वो स्मॉल हिल की तरफ पहुंचा जहां से वो लाल हवा को देखता था, तो वो लाल हवा को वहां से आते हुए बड़ी सी लाल हवा को देख सकता था. इट वॉज फास्ट एंड रेड, ये एकदम लाल कलर की थी और बहुत ही तेजी से चल रही थी. काकू ने अपनी आईज को क्लोज कर लिया, आंखों को बंद कर लिया और प्रे करने लगा. प्रे करना शुरू कर दिया कि लाल हवा जो है उसकी जो प्यारी सी दोस्त है वो रुक जाए वहां पे उसके गांव पे. तो जो बहुत तेजी से जो ठंडी ठंडी हवा चलती थी हमेशा जब लाल हवा आती थी वो अचानक से रुक गई. काकू की जो आईज थी वर स्टिल क्लोज, काकू की आंखें तो अभी भी बंद थी, बट हिज ईयर्स कुड नॉट हियर द छुक छुक ऑफ लाल हवा, लेकिन जो उसके कान थे उसके कानों में अब लाल हवा की छुक छुक की आवाज नहीं आ रही थी. स्टार्टर तो वो एकदम से चौंक गया कि काकू की लाल हवा की आवाज क्यों नहीं आ रही है छुक छुक की. ही ओपेंड हिज आईज, तो एकदम चौंकते हुए उसने अपनी आंखों को खोला. देयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, एकदम वहां पे एकदम उसके सामने लाल हवा थी, इतनी लाल इतनी बड़ी एकदम उसकी आंखों के सामने रुकी थी वो. काकू कुड नॉट बिलीव इट, काकू को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ. ही क्लोज्ड हिज आईज शट एंड ओपन देम क्विकली, और उसने अपनी आंखों को बंद किया और खोला बार बार बहुत जल्दी. दैट्स वेन ही हर्ड द नॉइज कमिंग फ्रॉम द विलेज, और तभी उसने गांव से आती हुई शोर को सुना. एवरीवन वाज रनिंग टुवर्ड्स लाल हवा शाउटिंग एंड चेयरिंग, और सभी लोग वहां पे लाल हवा की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे चिल्लाते हुए और खुशी से चीयर करते हुए. ही कुड सी हिज स्कूल टीचर अम्मा ताची झुंझुनू पिनाकी एंड द ओल्ड रिटायर्ड रेलवे गार्ड हरिंग टुवर्ड्स लाल हवा, वो देख सकता था सभी लाल हवा की तरफ आ रहे थे जल्दी जल्दी, चाहे उसकी स्कूल टीचर हो, चाहे अम्मा हो, चाहे उसके फ्रेंड्स ताची झुंझुनू और पिनाकी हो, चाहे वो रेलवे के गार्ड ही क्यों ना हो जो रिटायर्ड हो चुके, सभी लोग बहुत तेजी से लाल हवा की तरफ आ रहे थे. लाल हवा हैड स्टॉप्ड एट छोटी दादी एंड वॉज वेटिंग फॉर काकू टू मीट हर, लाल हवा जो थी वो छोटी दादी पे स्टॉप्ड हो गई थी, रुक गई थी और वो काकू का वेट कर रही थी कि वो उससे मिले. लाल हवा विजल्ड अलाउड, काकू लाफ्ड एंड विजल्ड बैक, तो लाल हवा ने बहुत तेजी से विजलिंग की, सीटी बजाई, और काकू बहुत तेजी से हंसा और फिर से उसने भी बदले में सीटी बजाई. क्विकली ही पिक्ड अप टिफिन बॉक्स विद द इडलीज एंड कोकोनट चटनी एंड क्लाइम्ड ऑन टू लाल हवा, और जल्दी से उसने अपने टिफिन बॉक्स को उठाया जो कि इडली और कोकोनट चटनी से भरा था, और वो लाल हवा पे चढ़ गया. एंड जस्ट देन एज इफ इट हैड बीन वेटिंग जस्ट फॉर काकू, लाल हवा चुक चुक अगेन, और जैसे कि वो केवल काकू का ही वेट कर रही हो, वो जैसे ही काकू उसके ऊपर चढ़ा लाल हवा फिर से छुक छुक करना शुरू कर दी. द स्लो छुक छुक साउंड बिकेम फास्टर एंड बाय द टाइम अम्मा रीच्ड द ट्रेन ट्रैक्स लाल हवा वॉज फ्लाइंग ऑन मैजिक व्हील्स विद काकू इन साइड इट, और पहले जो काकू जो लाल हवा की स्लो छुक छुक की साउंड थी वो तेज हो गई, और उस टाइम तक जबकि अम्मा ट्रेन की जो रेलवे की जो पटरी होती है उस तक पहुंच पाती, लाल हवा अपने मैजिक व्हील्स पे अपने जो जादू के जो पहिए थे जो बहुत तेजी से चलते थे वो उस पे उड़ने लगा विथ काकू इनसाइड इट, और उसमें अंदर काकू बैठा हुआ था. अम्मा स्माइल्ड, और अम्मा धीरे से मुस्कुरा दी. ही हैड टीयर्स इन हर आईज सीइंग काकू सो हैप्पी, और अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने काकू को इतना खुश देखा. फ्रॉम अ विंडो, और उसकी लाल हवा की खिड़की से काकू वेव्ड टू एवरीवन, काकू ने सभी को वेव किया, अपना हाथ हिलाया. लाल हवा वॉज फ्लाइंग एंड सो वॉज काकू, और लाल हवा अब फिर से उड़ने लगी थी, वो बहुत तेजी से चलने लगी थी और उसके साथ साथ काकू भी चलने लगा था और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गया था.